इस वीडियो में हम बात करेंगे हैबिट डिसरप्शन के बारे में, यानी कि बुरी आदतों का विच्छेदन, बुरी आदतों को ख़त्म करने का प्रोसेस, और उसे हम डिटेल में समझेंगे। एक उदाहरण से शुरुआत करूंगी। जब आप थक हार के घर पे आते हैं, अपना बैग नीचे रख के आराम से बैठ के खाना खाते हैं, पहली चीज़ जो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में होती है वो है आराम करना। खाना खा के कुछ देर अपने परिवार वालों से गुफ्तगू करके आप चाहते हैं कि आप नेटफ्लिक्स की दुनिया में खो जाएं, खोते खोते बिस्तर पर सो जाएं और वहीं पे अपना डेरा जमा कर सुबह उठें। बस हम जानते हैं कि ये आरामदायक है, पर हम ये भी जानते हैं कि ये एक वेस्ट ऑफ टाइम की कैटेगरी में भी आ सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि खुद का ध्यान रखना, आराम करना गलत है और किसी भी तरह से आपके समय की बर्बादी है, लेकिन जब आप इसी समय को कुछ और आरामदायक चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ख़ास करके तब जब आपके पूरे ऑफिस के स्केड्यूल में आपने कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं किया है, क्योंकि ये मोनोटोनस है जिससे आपकी ज़िंदगी थकी सी, फीकी सी लगती है, तो ये ज़रूरी है कि आप इस समय को पूरी तरह से यूटिलाइज़ करें, इस समय का इस तरह से उपयोग करें कि अगले दिन जब आप ऑफिस जाएँ तो एकदम रिफ़्रेश्ड होकर जाएँ। लेकिन इन अच्छी आदतों को अपनाने के पहले हमें इन बुरी आदतों का सर्वनाश करना होगा। वी हैव टू डिस्टर्ब देम, हमें उन्हें ख़त्म करना होगा। और ये बुरी आदतें सिर्फ एक नेटफ्लिक्स देखना नहीं है, काफ़ी कुछ है जिसके हम आदि हो चुके हैं। वो सारी चीज़ें जिसके हम आदि हो चुके हैं, एडिक्ट हो चुके हैं और जिन्हें छोड़ना बहुत मुश्किल है, वो सारी बुरी आदतें हैं। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, फ़ोन चलाना, व्हाट्सएप और जैसे सोशल ऐप्स पे दिन रात लगे रहना, नेटफ्लिक्स कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लोर करना, यूट्यूब कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लोर करना, ये सारी बुरी आदतें जब आप सिर्फ एक हफ्ते के लिए या सिर्फ दो हफ्ते के लिए भी छोड़ देंगे, ये बुरी आदतें सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि ये एडिक्शन है। मैं इन्हें बुरी कैटेगरी में हर वक्त नहीं डालूंगी, पर जब ये चीज़ें एडिक्ट बना देती हैं आपको, आदि बना देती हैं और उन्हें छोड़ पाना मुश्किल हो जाता है, जब उनकी तलब महसूस होती है, तो वो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक मोनोटनी, एक दबाव, एक खिंचाव पैदा करती हैं जिस खिंचाव को हमें ख़त्म करना है। कोशिश कीजिए एक हफ्ते के लिए अपना फ़ोन बंद रखिए या फिर अलग रखिए खुद से, सिर्फ एक समय पर उसे उठाकर चेक करके काम करके छोड़ दीजिए। ड्रिंकिंग और स्मोकिंग के लिए दो हफ्ते का ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद जब आप वापस जाके करेंगे तो आपको समझ में आएगा वो डिफरेंस। मैंने किया है, ऑल्दो मुझे ऐसी इतनी खास आदतें थी नहीं, तो मैंने अपने फ़ोन के साथ एक्सपेरिमेंट किया था। जब दो हफ्ते के लिए एक नोकिया का छोटा सा, आई डोंट रिमेम्बर, पर कुछ तो था, 3100 या ऐसे कोई फ़ोन था जिसको मैंने दो हफ्ते चलाया था। व्हाट्सएप को दिन में एक बार चेक करती थी अपने दूसरे फ़ोन में, स्मार्टफोन में। तीन दिन के अंदर आदत तो छूट गई, लेकिन दिमाग जो इतना शांत रहने लगा जो पहले कभी नहीं हुआ था, उसे देखकर, उसे महसूस करके मुझे खुद को बहुत ही आश्चर्य महसूस हुआ था। आई वॉज़ वेरी सरप्राइज। और जब आप इन एडिक्शन से दूर हो जाते हैं तो आपके पास समय भी होता है। उस समय में जब आपको समझ नहीं आता क्या करें क्या करें क्या करें, तो आपकी वो दबी हुई कुछ इच्छाएं बाहर आती हैं। क्या पता आपको कभी गिटार बजाना सीखना था, आपने सीखा नहीं, आपको नाचना सीखना था, आपने सीखा नहीं, क्या पता हिप हॉप क्लासेस के लिए एनरोल करने वाले थे पर कहीं ना कहीं बिजी थे पार्टीज़ में और इन्हीं सब चीज़ों में, या थके हुए थे तो आपने एनरोल नहीं किया, जिम जाना चाहते थे नहीं किया। जब आप फ्री हो जाते हैं और आपका दिमाग एकदम फोर्सिबली, एकदम खाली सा हो जाता है, तब ये सब ख्याल आते हैं और तब आपके पास मौका होता है कि आप जाएं और वो सारी चीज़ें करें जो आपको एक्चुअल में खुश करेंगी, जो आपके लिए अंदर एक सफलता वाली फीलिंग लेकर आएगी और आपको वो खुशियाँ देंगी जो ज़्यादा समय तक आपके साथ आगे बढ़ेंगी। और अब हम ऐसी दुनिया में भी तो जी रहे हैं जहाँ पे हम हर वक्त कितने सारे लोगों के साथ घिरे हुए होते हैं, अगर फेस टू फेस नहीं तो सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे नहीं तो किसी बड़ी सी मीटिंग में, मीटअप्स, कम्युनिटीज, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इस बीच हम ये नहीं पहचान पाते कि वो कौन से लोग हैं जिनसे कनेक्ट करना, जिनसे बात करना, जिनके साथ ज़्यादा समय बिताना हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो
ऐसे ही उन कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कीजिए, उन्हें पॉइंट कीजिए, समझिए, जानिए ऐसे कौन से लोग हैं जिनके साथ संबंध बनाने से आपकी ज़िंदगी बेहतर होती है और उनके विचारों से आपको फ़ायदा मिलता है, आप खुश रहते हैं, जो आपको डीमोटिवेट नहीं करते, नीचे दबाने की कोशिश नहीं करते। ऐसे संबंध ही आगे जाके आपके काम आएंगे, भले ही वो कम हो, भले ही वो ज़्यादा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर वो ज़्यादा हैं और आपको हानि पहुँचा रहे हैं तो ऐसे संबंधों का कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं ना, 100 नकली दोस्तों से बेहतर है कि आपका कोई एक बहुत अच्छा दोस्त हो। तो वैसे ही ऐसे संबंध बनाइए जिनसे आपको दिली खुशी मिले और आप उनके बारे में सोचना, आपका कीमती समय आप उनको दे रहे हैं, आप ऑलरेडी इतने बिजी हैं, इतने व्यस्त हैं अपनी ज़िंदगी में कि अगर आप अपनी ज़िंदगी का एक कीमती वक्त किसी इंसान को दे रहे हैं तो सोच समझ कर दीजिए। तो सिर्फ इसलिए कि आपको पोलाइट बनना है, नम्र बनना है, अपना व्यवहार बढ़ा के रखना है, आप ऐसे लोगों से मिलने जाते रहेंगे जो आपको बहुत परेशान करते हैं, जिनसे मिलने के बाद आप नाखुश होते हैं, तो आपको ये बंद करना होगा। मूव ऑन करने की ज़रूरत है और वो चीज़ें करने की ज़रूरत है जो आपको खुश करती हैं। इसे मैं एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार रिपीट करूँगी, क्योंकि हमें ये पता होता है पर हम करते नहीं। इस वीडियो में हमने जाना कि उन सभी आदतों को डिसरप्ट करना हमारी ज़िंदगी से उठा के फेंक देना ज़रूरी है जो हमें अपनी आदी बना रही हैं और जो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा खा रही हैं और कुछ अलग, कुछ नया, कुछ अच्छा हमें रिटर्न में दे नहीं रही हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे हमारे भविष्य को डिज़ाइन करने की और कैसे एक गोल पर एक टाइम पे फोकस करना हमारे लिए कितना लाभकारी हो सकता है, फ़ायदेमंद हो सकता है, और अगर हम ऐसे करते रहे तो कैसे हमारे फाइनल गोल की तरफ पहुंचना बड़ा आसान हो जाता है।